कोई खैरात सदक़े भीख का स्टिकर नज़र आ रहे हैं यहाँ पर? किसी माजूर लाचार की तस्वीर नज़र आ रही है? कुछ भी नहीं है भाई, यहाँ पर जो चूल्हे भी लगे सेंसर वाले लगाए। आपको क्या एतराज है भाई, फजूल बात कर रहे हैं आपके एजेंट। हाँ एजेंसी अगर देगी मैं लूंगा भाई, हमारे मुल्क की एजेंसी है ना। किसी माजूर लाचार की तस्वीर नजर आ रही है? कुछ भी नहीं है भाई, यहाँ पर जो चूल्हे भी लगे सेंसर वाले लगाए, जो 5-star होटलों में होते हैं, यूं हाथ फेरो खुल जाएगा दूर से। बात सिर्फ इतनी सी है, मेरे शहर के लोग भूखे हैं, मेरे मुल्क के लोग परेशान हैं, मैं उन परेशान हाल लोगों को फकीर क्यों बोलूं? ये बेरोजगारों का शहर है, इस शहर में पैदा होने वाले लड़के को सरकारी नौकरी नहीं दी जाती, कहते हैं कोटा है भाई। मुश्किलात है, छोड़ें ये बातें। बस मैं इतना जानता हूँ जो बेचारे लोग भूखे हैं, वो बेचारे अगर बाहर निकल रहे हैं, मायूस घर जा रहे हैं, परेशान हैं, कोई गलत कदम ना उठाएं, यहाँ आइए खाना ले जाएं, झूठ बोल के ले जाओ, बोलो मोहल्ले में कोई शख्स है उसके 8 बच्चे हैं, भूखे हैं, 6 लोग हैं फैमिली में, 20 रोटी और 10 लोगों का सालन दे दो, दे देंगे ये। सफेद कुछ आदमी तो रोड पे पुल के नीचे वगैरह या लाइन में लग के तो खाना नहीं खाएगा। तो ये आप इस वक्त पुल के नीचे बैठे हैं? ये आप इस वक्त कहाँ बैठे हैं? मैं एक मोबाइल रेस्टोरेंट के अंदर बैठा हूँ। ठीक है, कोई भी शख्स जो ऐसा रेस्टोरेंट बनाता है वो कम से कम भी खाने का 150 रुपए लेता है, भले अंदर आपको बर्गर खिलाए, भले पिज्जा खिलाए छोटा सा, भले कुछ भी खिलाए, 1 रुपया चार्ज नहीं कर रहा हूँ। क्या देखा जब से आप दिन से आए हैं और अब जब सब पूरा वाइंड अप हुआ, आज रात में बंद हुआ, ट्रायल था आज, क्या देखा आपने, कितनी देखें संभाल हुई? बहुत सारे लोगों को खाना मिला है। ये पेट भरे लोग आ रहे थे? कौन लोग थे? मतलब भूखे लोग आ रहे थे। तो मैंने गुना कमाया उनको खिला के? क्या मेरे जो डोनर्स हैं जिन्होंने इनके लिए खाना दिया उनको गुना मिलेगा? भाई साल से काम कर रहा हूँ, लोग अगर भरोसा कर रहे हैं तो मैं इसमें मेरा क्या कसूर है भाई? हमने कोविड में काम किया जिस वक्त लोग डर रहे थे कोरोना से, मैं उस वक्त सखर में काम कर रहा था कोरोना का भाई। आज भी सखर में चले जाइए आइसोलेशन सेंटर में, 8 महीने हो गए, पूछ ले किस कौन खाना दे रहा है, बोलेंगे JDC। एक्सपो सेंटर चले जाइए, पूछ ले जाके खाना कौन दे रहा है सारे मरीजों को, बोलेंगे JDC। इतना स्टैंडर्ड का देते हैं जो हम अपने घर में खिलाते हैं। चलें ठीक है, अगर एजेंसी के हैं और इस मुल्क की एजेंसियां अपने लोगों को भूखा सोता हुआ नहीं देख सकती और हमें फंड दे रही हैं, तो भाई मैं उन एजेंसियों से भी लूंगा पैसा। आपको क्या एतराज है भाई, फजूल बात कर रहे हैं आपके एजेंट। हाँ एजेंसी अगर देगी मैं लूंगा भाई, हमारे मुल्क की एजेंसी है ना, या नहीं ले उनसे? वो अगर कह रहे हैं भूखे को रोटी दे दो, या मैं अब ये नया रूल बना दूं कि जब आप आएंगे डोनेशन देने मैं आपका शजरा चेक करूंगा, आप कौन, आपके अब्बा कौन, आपके भाई, ये सब मैं भी ये सब चेक करूं। कितने बजे शुरू होता है, कितने बजे खत्म होता है, क्या मेन्यू होता है, क्या होता है सिलसिला? 5-star होटल का शेफ है, रीजन प्लाजा में रमादा में काम कर चुका है, उतनी ही तनख्वाह पे यहाँ पाएंगे। सारी एनजीओ कहती है जबरदस्त खाना ही है, लेकिन आप जाओ बोटियां तैर रही होती है, सालन में पानी ज्यादा होता है। वीडियो देखो ना, अब वीडियो अभी आप बना लेना अंदर की, आप देखो ना अंदर वीडियो हमने क्या खिला रहे हैं। मैं इस अंडे के अंदर क्या डालूं? आपके सामने अंडा तोड़ के फ्राई कर रहा है, नाश्ते में दे रहा है, उसके साथ ब्रेड दे रहा है, जो जैम मांग रहा है जैम दे रहा है, चाय दे रहे हैं, मिल्क शेक दे रहे हैं, और क्या करें? फिर जैसे ही 12 बज जाएगा कोरमा दे रहे हैं, बिरयानी दे रहे हैं, हर चीज लोगों को दे रहे हैं। हम खाना स्टेटस का देते हैं, हम तो रमजान में सहरी भी कराते थे तो बकरे की मंदी खिलाते थे, 26-26 100 बकरे कटते थे एक दिन में। जफर अब्बास जो है ना दुख बेच रहे हैं, किसी भी जनाजे में जाके खड़े होकर वीडियो बनाना शुरू हो जाते हैं। हाँ, और फिर दोनों को हाँ, हाँ, आपका काम है सर्विस प्रोवाइड करना, उसका आप बिल भेजते हो हर महीने हमारे घर पे, लेकिन अगर मेरा बच्चा मर जाए कहीं चिपक के तो मैं आपकी FIR कटवाऊंगा, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। ये मेरा कसूर है कि आज मेरे पे इतने केसेस हुए हैं, लेकिन जिन बच्चे आपने मारे उन सब बच्चों की मैंने मैयतों की FIR कटवाई और उनकी फैमिलियों को बोला छोड़ना नहीं। हाँ, तो कुछ वक्त के बाद वो भी खुश खामोश हो गए ना, अभी तो केसेस हो केस हो गया ना मेरे ऊपर, मुझे अदालत ने हुक्म दे दिया आप खामोश हो जाइए, अभी आप कुछ नहीं बोलिएगा, मैं क्या करूं। लेकिन मुझे बर्दाश्त नहीं था कि एक बच्चा अपने घर में बकरीद की गाय आई है उसको खोलने जा रहा है, उस गाय के साथ वो भी चिपक के मर गया, क्यों, क्या कसूर है उसका? उसका राइट नहीं था कि वो भी ईद मनाता, उसकी माँ का राइट नहीं था, इकलौता बेटा, हर केस जिस केस में देखो इकलौती औलाद, इकलौती औलाद, एक ही बेटा था, एक ही भाई था, क्यों
उनके राइट नहीं थे और उनके लिए कोई आवाज भी ना उठाए, हम तो उठाएंगे। हॉस्पिटल भी खोल रहा है जफर अब्बास, जो है फ्री तालीम फराम कर रहा है जफर अब्बास, मोबाइल रेस्टोरेंट भी खोल रहा है जफर अब्बास, बेपना काम कर रहा है। मकासिद क्या है, क्या करना चाहता जफर अब्बास? बोलता है मैं पॉलिटिशियन तो बनना नहीं चाहता। फिर क्या मकासिद है? इजी साहब आपकी नजर में पॉलिटिशियन थे? इदी साहब ने लाखों मुर्दे नहला दिए फ्री में, लावारिस लाशें दफना दी, तो ये सब सियासत थी? तो हम भी यही काम कर रहे हैं भाई, हमारा हम परेशान हाल लोग हैं, हमारे लोग मुसीबत में हैं। मेरे अस्पताल में इस वक्त भी सारे बेड फुल हैं और जितने मरीज सो रहे हैं, एक्टर नहीं, उनके घरों पर चले जाइए और जाके पूछ लीजिए कि ये यहाँ पर सियासी पार्टी ज्वाइन करवाने आए हैं, मुफ्त में अपना कोविड का इलाज कराने आए हैं। हुकूमत बहुत सारी एनजीओ को सपोर्ट करती है, आपको क्यों नहीं सपोर्ट करती? जफर अब्बास को तो मुझे कहीं नजर नहीं आता। लोग कोई बहुत सारे एनजीओ वेलफेयर के उसको अवार्ड भी दिए जा रहे होते हैं, तस्वीरें भी बनाई जा रही होती है, वजीर आजम साहब भी बुलाते हैं, आप गवर्नर ने बुलाया? मतलब आप ये कह रहे हैं इतना सारा काम करके अवार्ड नहीं मिल रहा तो मैं भी वही तरीका अपनाऊं, काम वाम सब बंद कर दें, तस्वीरी काम शुरू करें? ठीक है, हम जो काम कर रहे हैं। अच्छा मुझे सिर्फ छोटी सी बात बताएं, आप आज दिन में आए थे वीडियो बनाने? बिल्कुल है। इस दस्तरखान का ट्रायल चल रहा है अभी, इसका इफ्तिताह नहीं हुआ, कितनी देखें इस्तेमाल हुई सुबह से अब तक? 17 देखें भाई, 17 देखें। ये जितने लोगों ने अंदर खाया उनको छोड़ो, जो वो यहाँ लाइन लगा के पूरे दिन डब्बे लेकर गए पार्सल, वो क्या था उसमें? मैंने उनको खिलौने दिए, सालन दिया भाई, रोटियां दी हैं उनको, जिसने बोला 10 रोटी चाहिए उसको 10 दी, जिसने बोला 5 चाहिए उसको 5 दी, अनलिमिटेड खाना बांटते हैं, मना किसी को नहीं करते, ना किसी से पैसा रुपया मांगते हैं। लोग पहले ही मुसीबत में, मायूस आदमी घर जा रहा है, नौकरी नहीं, रोजगार नहीं, भूख, रसूल लाओ रोटी के पैसे दो। नहीं भाई, मेरा डोनर मुझे दे तो रहा है, मैंने तो यार मेरा अस्पताल का आईसीयू भर गया, मैंने कल अपील की है, मैंने हुनैद लखानी साहब से बोला कि यार 20 बेड की जगह और बनाए, एक और आईसीयू बनाना है मुझे, उन्होंने अगले दिन बोला मैंने जगह बना रहा हूँ, हमने मशीनों की अपील कर दी। उसी वक्त कामरान टिशोरी साहब का फोन आया, जफर तमाम आईसीयू के लिए जितने बाईपाइप सी पाइप और दीगर मशीनें वो मैं दे रहा हूँ। फिर मैंने अपील की मुझे 5 वेंटिलेटर चाहिए, लोग रब्ता कर रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं सब? मेरे अब्बा तो नहीं एडमिट हुए, मेरी अम्मा भी एडमिट नहीं हुई, ना मेरे बहन भाई एडमिट हुए, अरे हमारे लोग मुश्किल में यार, हसन भाई समझो। मुझे कोई शौक नहीं है मैं किसी सरकारी आदमी के साथ बैठ के तस्वीर खिंचवाऊं, या वो मुझे एक ट्रॉफी दे दें, या मुझे एक मेडल बना दें, मुझे वो नहीं चाहिए। मुझे अच्छा लगता है कि कोई बस कंडक्टर चलती हुई बस रोक के उतर के आए, बोले जफर भाई एक तस्वीर खिंचवा लो, मेरे लिए ये बहुत अच्छा है।